Santosh Dubey was the president of the Shiv Sena in Faizabad in 1992 and currently holds the same post. In conversation with Cobra Post reporter, he takes full responsibility for bringing down the Babri Masjid. It was exactly for this objective that Brahmadat Dwivedi introduced him to L.K. Advani. Brahmadat Dwivedi was the cabinet minister in the government of Uttar Pradesh and a senior leader of the BJP who was later murdered in 1998. Dubey's admissions to the hidden camera help connect several dots in the events leading up to the demolition of the Babri Masjid. Listen in. Advani ji to yahan jaane ki mahal trust mein gaye ya Hanuman Bagh mein meeting karaye the isme hum log bulaya gaya tha jaan ki mahal trust mein aur Hanuman Bagh mein Hanuman Bagh mein kaun kaun tha us meeting mein are usme kareeb 500 log the baithe ab jaake pramukh Hanuman sab log the हनुमान बाग में हनुमान बाग 500 लोगों की मीटिंग थी ये हाँ। प्रमुख लोगों के नाम जो बीजेपी के हो बीजेपी के उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे भाजपा के लल्लू सिंह विनय कटियार लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती संघ के सिंगल जी महेश नारायण जी पुरुषोत्तम नारायण सिंह परमहंस रामचंद्र दास नृत्य गोपाल दास महंत वैद्यनाथ यानी कि सभी हिंदू नेता उसमें क्या हुआ डिस्कस क्या पांच लोगों के साथ क्या वार्तालाप तय हो ढांचा ढाया जाएगा किसने कहा आपसे मतलब क्या मीटिंग में सब लोगों ने तय किया ढांचा तोड़ा जाना मतलब एक पब्लिक मीटिंग टाइप की थी कि केवल गुप्त मीटिंग टाइप का कैसे काम की थी मतलब एक प्लान टाइप का प्लान बनाया प्लान बनाया गया कैसे तोड़ा जाएगा तो ढांचा ढाया जाएगा बोले थे कौन कौन आडवाणी जी जो खास खास लोग आडवाणी जोशी तमरा जी भी थी वो भी बोली थी उमा भारती बोली थी क्या बोले इतना तो याद नहीं है पर इतना है जो खास खास तो एक निचोड़ नहीं सकता निचोड़ यही ढांचे को 6 दिसंबर को छोड़ना नहीं है हर हाल में ये गुलामी का प्रतीक है इसे तोड़ देने में ही इतना हमारी सरकार रहे जाए हम अगर हमारी ये सरकार जाएगी तो केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी गाली हुई भाषण बाजी हुई बोले लोग बम के ऊपर से अंदर क्या था वो समझ नहीं आ रहा की मीटिंग होगी है 3 या 4 तारीख को 3 या 4 दिसंबर कब की बात है ये दिसंबर नहीं 92 का तो है टाइम टाइम कितने बजे 7-8 बजे या 10 बजे ऐसे ही रहा होगा नहीं 10 नहीं 7-8 5-6 बजे उसके बाद मीटिंग कितनी देर तक चली क्या क्या हुआ अच्छा तो पर्सनली आपसे मुलाकात हुई अडवाणी जी की और किसी की भी कुछ हाँ मैं गया वहाँ ब्रह्मदत्त जी ने पर्चे कराया जिसके लिए आपसे बात हुई थी यही हमको सुबह है हमने उनको पैर छुए सम्मान पूर्वक शास्त्री जी उंगली मनोहर जोशी जी अडवाणी जी सब कुछ है साथ बैठे बैठा गया ढांचा कैसे टूटेगा हमने कहा बताई तो ऐसे टूटेंगे कागज ना तो ही पानी तैरा देंगे उन्होंने कहा क्या चाहिए हमने बताया क्या चाहिए
इनका उपलब्ध कराया या कांग्रेसियों को उपलब्ध कराया, ये तो हो जाने, लेकिन वो डबल गेम में थे, वो भी रोल उनका भी डबल था। Santosh Dubey reveals that a number of leaders were present in a secret meeting that was held just a little before December 6, 1992. Off the top of his head, he recalls prominent names: Brahmadat Divedi, Lallu Singh, Vinay Katyar, L.K. Advani, Munli Manohar Joshi, Uma Bharti, Ashok Singhal, Mahesh Narayan, Pushottam Narayan Singh, Paramhans Ramachandra, Nitya Gopal Das and Mahant Avedyanath. Dubey tells a reporter that the agenda of the meeting was to bring down the mosque. In his words, Advani, Joshi, Ritamra bhi thi, wo bhi boli thi, Uma Bharti boli thi. Yahi ki dhanche ko 6 December ko todna hi hai, har hal mein. Gulami ka prateek hai, ise tod dene mein hi hit hai. Dubey further tells a reporter that L.K. Advani is considered the god of Hindus, but in reality, he is a liar for what he says and does. जो उन्होंने कहना शुरू किया 6 दिसंबर मेरे जीवन का काला दिन है, ये अभी बोला उन्होंने, अभी बोला है हमारे पास सरकार, एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं, सही बात बोली है, जिसको इस देश का हिंदू भगवान मान रहा हो जब वही झूठ बोलने लग जाएगा तो लोग उसको शैतान मानने में भी बहुत देर नहीं किया। अडवाणी झटके आते हैं, जिन्ना को बहुमान बताया, गंदा आदमी, ढांचा तोड़ने में तोड़वाने में उनकी पूरी सहमति है, कैसे कि जगह जगह उन्होंने जुलूस निकाला, सभाएं की, हर जगह बोलते थे आपने तोड़ा है नहीं तोड़ा, लेकिन आपने ललकारा तो, तोड़ने वाले तो तैयार किए, अब भी जिसकी भोजन फड़की खून नखौलत पीने का, भारत माँ का लाल न होगा, होगा किसी कमीने का, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं कोई हिजड़ा, ये नारे किसने दिए, विचारणी भूल है नहीं। Dubey's criticism of L.K. Advani is caustic. He says, जिसको इस देश का हिंदू भगवान मान रहा हो, अडवाणी झूठे आदमी है। ढांचा तोड़ने में, तोड़वाने में उनकी पूरी सहमति है। Moving on, Dubey gives the details of another meeting held in Janki Mahal just a day before the meeting in Hanuman Bagh. Senior VHP leaders such as Ashok Singhal and Vishnuhari Dalmia were present at the crucial meeting. Ayodhya मंदिर और राम मंदिर, उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने यह स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूँ हाँ बराबर किया है, हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा आंदोलन केवल मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है। अच्छा, दो मीटिंगें आपने बताई, एक जानकी महल वाली है छूट गई, हनुमान बाग वाली बताई आपने, जानकी महल वाली, जानकी महल में अति गोपनीय बैठक कब हुई, जानकी महल वाली ये उसके एक दिन पहले हुई, मतलब 2 दिसंबर के आसपास, जिसमें हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा, कौन कौन था इसमें, ये लोग थे सिंगल पिंगल टाइप के लोग थे, अशोक सिंगल, विष्णुहरी डालमिया, Cobra Post reporter visits Santosh Dubey one more time to ensure the veracity of his account of the Babri Masjid demolition. Every inch of the narration matched the previous version. He recalls the crucial meetings at Hanuman Bagh and Janki Mahal and details out the weapons that were organized prior to the ill-fated day. हम लोग उस बैठक में जिसमें गए थे, चार को थी कि या पांच को थी, ध्यान नहीं आ रहा है, चार या पांच कर दीजिए लगभग, हाँ एक दो दिन पहले, हाँ एक दो दिन पहले बैठक हुई थी जानकी मैं वो हनुमान बाग में जी। हाँ
हनुमान बाग, जानकी महल, जानकी महल के निकट है। अच्छा, अयोध्या में ही है ये। उसमें मुरली मनोहर जोशी और सभी लोग, अशोक सिंघल वगैरह सभी शामिल थे उसमें। उस बैठक में रामचंद्र परमहंस जी वगैरह आए थे, अयोध्या के भी साधु संत थे सब। उसी में हमको ब्रह्मदत्त द्विवेदी ले गए थे मिलाने के लिए। अच्छा, उसी बैठक में हम और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, हमारे साथ और भी लोग गए थे। वहां उन्होंने परिचय कराया अडवाणी जी से, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने। ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि ये संतोष दुबे हैं, शिवसेना के नेता हैं, जिनकी आपसे चर्चा हुई थी। मैंने कहा बार छो बहुत स्वाभाविक है, अपने संस्कार वस्त्र करती है। अडवाणी जी बड़े प्रभावित हुए, गले लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो हमसे चाहते हैं वो बताइए, हम करते हैं, काम होना चाहिए। ठीक, अगर ढांचा गिर जाएगा, हमने कहा बिल्कुल गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, हमने कहा यही तो कोई कागज की पुड़िया तो है नहीं, खोल देंगे, आप बताइए कि आप हमारा क्या, बोले क्या चाहते हैं। तो हमने बताया उनसे, क्या क्या उपलब्ध कराया हमको? गैंती, गैंती, तलवारें और त्रिशूल, लगभग 5,000 की संख्या में उपलब्ध कराया गया। चंदन लक्ष्मण सिंह एक ड्राइवर था, उसका अता पता नहीं चल रहा है, वही लाद करके सब लाया था। ये लक्ष्मण सिंह किसका ड्राइवर था? गाड़ी वाड़ी चलाता था अयोध्या में। हाँ, उसने कहा मैं लक्ष्मण सिंह हूँ, मुझे भेजा गया था, सामान आपने मंगवाया था, वही आया है। तो मुझे वो मिला, देवराम दास वेदांती के हैं, देवराम विलास वेदांती पुरुषांत से। अच्छा, जिसके यहाँ हम मिले देवराम दास वेदांती है। वहाँ लाया और सामान पहुँचाया। 5 तारीख को ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हम लोग वहाँ रुके थे रात में। कौन कौन था आपके आपके साथ में? 5,000 की संख्या में लोग थे हमारे साथ। रुकने की जगह थी? रुकने की बहुत बड़ा हाल है उनके यहाँ भैया। कहाँ पर? बड़ा हाल अयोध्या में कोई नहीं है, वेदांति आश्रम मंदिर। अच्छा, अयोध्या में ही। फिर क्या प्लानिंग हुई? फिर प्लानिंग ये थी कि रात में हम लोग मीटिंग करते रहे, भोजन पानी सब करने के बाद भी सब जागते रहे कि सुबह ढांचा ढाना है, हर हाल में एक उद्देश्य है। ग्रुप बनाया गया 60-70 लोगों का, 100 लोगों का। और ये रखा गया कि ठीक 10:15 बजे अटैक किया जाएगा। एक तरफ तो कोर्ट का आदर्श, दूसरी तरफ सेवा देश का आदर्श, सेवा देश है मंदिर बनना चाहिए, और नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस बात को समझ रहे। दुबे नरेट द सॉलिड टेल विद प्रेसिशन। He further describes the role of L.K. Advani in encouraging the crowd in the meeting to wipe out the icon of disgrace. In Dubey's words, उन्होंने ललकारा, ये गुलामी का टीका है जो माथे पर लगा है, इसे धुलने का समय आ गया है। क्या बोले, कुछ याद है आपको? अडवाणी जी ने तो कहा कि बहुत थोड़ा बहुत याद है। भाई 21-20 साल की बातें हो गई। हाँ, जो याद हो वो। हाँ, उन्होंने ललकारा, इस गुलामी का टीका है जो माथे पर लगा है, इसे धुलने का समय आ गया है, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसके लिए हमारे, उन्होंने हमारा नाम भी लिया अपने संबोधन में, हमारे बीच में तोड़ने वाले अभी उपलब्ध हैं, सारी चीजें हैं और सब कुछ होगा, बस आप लोग तैयार रहिए, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। ये तो अडवाणी जी ने, और किसी ने, और कोई नेता? अब
हम लोगों ने दरअसल क्या है कि अडवाणी जी की बात सुनी, परमहंस जी भी बोले थे, इन्हीं दो लोगों की बात सुनी, इसके बाद हम लोग बाहर चले आए। अडवाणी भी थोड़ी चाह रहे थे ढांचा ढह जाए, क्योंकि वो बोल भले रहे थे, असल में उसकी मेन कड़ी ढांचा तोड़वाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, जिनका पीवी नरसिम्हा राव संबंध था। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से मुझे भी मिलवाया था, तो सारा खेल तो उनका था। ये सारे लोगों को खबर थी नहीं कि ये सब होने क्या जा रहा है। उसमें एक आदमी और है, कुपशी सुदर्शन, सुदर्शन जी को भी जानकारी थी ढांचा की। अच्छा, सुदर्शन ये जो आरएसएस के हैं? हाँ, आरएसएस, इनको पता था। ये मीटिंग में थे? हाँ बिल्कुल थे। अच्छा, मीटिंग में सबसे ज्यादा कौन बोला और खूब? परमहंस रामचंद्र दास बोले। अच्छा, करीब आधा घंटा से ऊपर। अच्छा, जो नारे लगाए थे वो किसने किसने लगाए? कहाँ? जो वहीं पे, जो जहाँ से ये मतलब जहाँ से भाषणबाजी हो रही थी, रामकथा। हाँ, रामकथा मंच में। हाँ, सबसे तो ये सामान रखा कहाँ था? बताया तो आपको, वहीं वहीं। अच्छा, वहीं से ले गए फिर आप लोग उसी दिन? लोग लेके गए थे वेदांति आश्रम, राम घाट अयोध्या। पैसा मिले, कुछ